So once again, welcome students in the physics lecture. We were discussing the basics of physics, in which yesterday we have seen about the basic physical quantities and the convergent factors. And yesterday we have started with ratio and proportion. Okay, so basics of that proportionality again we will start with, and then we will go for some more things. Okay, so in proportionality, so ratio and proportion, or proportions in physics, so बेटा यहाँ पे फिजिक्स में अपने बहुत सारे रेशियोज आते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज फुल ऑफ फॉर्मूले, है ना. एनीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड विथ दैट मस्ट बी देयर विद द फॉर्मूला. ओके, सो विदाउट फॉर्मूला इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिकग्नाइज दैट फिजिकल क्वांटिटी. Or on what factors it depends, what is its dimension and all. So everything comes from formula. So in physics, if you have to make a good hand or solving the problems, kya hota hai, knowledge point of view you are getting everything, but when the thing comes for solving the problems, at that point we are in somewhere in trouble. So उसके लिए बेटा problem solving के लिए ये ratio and proportion हमें बहुत use होता है. तो कल मैंने बोला था आपको A is proportional to B, then A is equal to some constant K into B. On the other hand, if A is inversely proportional to B, then AB will be constant. तो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों ने थोड़ा सा सवाल पूछे थे व्हाट्सएप पे. बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. तो देखो बेटा, ये आपको ग्राफ की मदद से मैं दिखाता हूँ. मैंने अगर ग्राफ प्लॉट किया इसको बोलता हूँ y, इसको बोलता हूँ x. Suppose ये straight line graph मिल गया मुझे. I have got the straight line graph. So the slope will be, slope के formula बहुत सारे हैं. एक तो slope का है जो आपका straight line का जो equation वगैरह double intercept intercept form वगैरह से बनाते हो. तो slope का equation में line का slope क्या आएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये एक होता है. दूसरा और एक होता है, अगर ये लाइन है, ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसका एंगल tan थीटा, वो भी अपना ये आएगा, स्लोप ही आएगा, क्योंकि ये भी थीटा ही आएगा. तो स्लोप को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं. और ये जो है y2 minus y1, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, y2 minus y1 मतलब डेल्टा y, और क्या मैं लिख सकता हूं x2 minus x1 डेल्टा x. तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. तो यहां पे क्या होता है, जैसे x बढ़ते जाता है बेटा, सो लॉन्ग एज x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन द x. सो एज x विल इंक्रीज y will also increase. So now here y depends on x. So इसको बोलेंगे हम independent variable, और इसको बोलेंगे हम dependent, क्योंकि इसके ऊपर वो depend करता है. तो बच्चों ने मुझे पूछा था सर a b में क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है. अगर b बढ़ने से या घटने से a चेंज होता है, तो a बन जाएगा डिपेंडेंट, b बन जाएगा इंडिपेंडेंट.
अगर a बढ़ने से और घटने से b चेंज होता है तो ऑफकोर्स आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका डिपेंडेंट, a बन जाएगा इंडिपेंडेंट। मतलब जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, उसके बढ़ने से घटने से इसके ऊपर चेंज आता है, उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। और जो क्वांटिटी एक्चुअली बढ़ती है और घटती है, जिसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल टाइम है, टाइम तो बढ़ते ही जाएगा ना, टाइम किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो टाइम के ऊपर डिपेंड कौन है, स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम बढ़ा दिया तो नाउ अगर मैंने डिस्टेंस को अगर कम किया बढ़ा दिया तो मेरा क्या होने वाला है, मेरा स्पीड कम या ज़्यादा होने वाला है। That is the thing. So don't worry up much more about that. Don't go in deep of that this like this. It is very simple. Don't make it difficult. A is proportional to B, 1 by B. Then AB is equal to constant. तो अगर मैंने B को बढ़ाया तो A घट जाएगा, B को घटाया तो A बढ़ जाएगा। On the other hand, BA is equal to constant भी लिख सकते हैं इसको। हाँ। So Danish asked me that query. So beta, for Danish I'm telling, for Danish beta AB is equal to constant na, so can I write down BA is equal to constant? Yes. So B will be inverse proportional to A. इसमें आप interchange कर सकते हो. So that is the thing. Okay. तो अभी जाते हैं आज का अपना main उसको complete करने के. तो ये तो आपने सीखा है. तो क्या होता है, मैं आपको कुछ formula देता हूँ. हाँ, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो एक सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, एक थ्रेड हो जाएगा आपका, एक बॉब बन जाएगा। बॉब का मास कितना है, एम है। हाँ, थ्रेड का लेंथ कितना है, एल है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल अपॉन जी। इसको बोलेंगे सपोज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपके पास बहुत सारे ये है, ओके। दूसरा देता हूं आपको, दूसरा ये एक बोलता हूं इसको और देखते हैं मजा क्या आता है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना था है, सपोज मैं इसको k लिखा तो मैं लिखता हूं उसको हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, ओके। तीसरा मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को u लिखता हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच जो आप लिखते थे बराबर। तो अभी यहां पे बेटा इफ यू कीन ऑब्जर्व, यहां पे इसका पावर अगर देखा तो रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर हाफ बराबर। वन बाय रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं, कल बोला था वन बाय एक्स टू द पावर हाफ, वो बन जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ। बन गया बेटा, समझ में आया बेटा, ओके। क्या ये दिख रहा है, ये बोलो, हाँ दिख रहा है, ओके। तो अभी ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैंने देखा तो 2π क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ को मैंने बदला नहीं है। तो इफ लेंथ विल बी कांस्टेंट, ये समझ गया आपको, हाँ, ये आपको रिमेम्बर करने के लिए, ये इससे इसका ताल्लुकात कुछ नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, जिनको चाहिए वो पीछे जाओ, पॉज करके उसको नोट डाउन करो। इसके साथ इसका डायरेक्टली एक्स कुछ नहीं है, आपको दिखाने के लिए दिखाया आपको। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इफ एल इज केप्ट कॉन्स्टेंट देन क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन जी। तो मैं क्या करता हूं, एल अपॉन जी टू द पावर हाफ बराबर। सो देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन
टी एल एंड जी, सो टी और एल के बीच में क्या हो जाएगा, हाँ अभी एक मिनट, एल भी कॉन्स्टेंट रखना है ना, तो ये एल भी मैं इस कॉन्स्टेंट में ही लेता हूँ, टी विल बी जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर हाफ, नहीं तो बोलते रूट जी, इसको सिंपल करते हैं, टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट अपॉन रूट जी. तो नाउ देर इज अ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन T and acceleration due to gravity, and then I can say that T is inversely proportional to root g. समझ गए बेटा? नहीं समझाए तो फिर से आप उसको देखो. अगर मैंने मास कांस्टेंट रखा, रखा मतलब मास कांस्टेंट ही होता है, मास बदलता नहीं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बदलता नहीं है ना, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो I can say that K is directly proportional to v square. Kinetic energy is directly proportional to v square. यहाँ पे क्या हो जाएगा, u is directly, ये mass constant रह जाएगा, directly proportional to gh. समझ गए? ओके, ऐसी बातें, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं. I will suggest you to note this down. आपको मालूम होगा तो ठीक है, आगे जाएंगे. तो ठीक है, अभी क्या होता है, I want to tell you about use of proportionality in this. तो कभी भी आपको फॉर्मूला में चेंज करके दिया, मतलब क्या, सपोज आपको ऐसे दिया a इज इक्वल टू b टू द पावर m अपॉन c टू द पावर n, तो क्या बोल सकते हो, यहां से मैं बोल सकता हूं, आई कैन से दैट हियर Here, A is proportional to B to the power M upon C to the power N. मतलब B से directly proportional, C से inversely proportional. बराबर, लेकिन B क्या है, B to the power M है और C to the power N है. Okay, then आपको याद में रखना है, ये क्यों रखना है याद में, ये बाद में हम फिजिक्स के प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, उस टाइम आपके याद में आएगा. तो अगर मेरे को ऐसा केस दिया, केस वन में बी का वैल्यू कुछ तो है, सी का वैल्यू कुछ तो है, अब अगर बी डबल कर दिया और सी को हाफ कर दिया, तो ए का वैल्यू क्या क्या आएगा, बी को डबल कर दिया, सी को हाफ कर दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट ना, सो नो नीड टू कैलकुलेट. Keep in mind this formula. So directly have the ratio A1 upon A2. So agar ye aisa hai, to main kya likh sakta hu? Ratio of A1 upon A2. So A1 kya ban jayega mera? A1 is proportional to B to the power N, inverse proportional to C to the power N. So A1 ban jayega, A1 upon A2 ratio ban jayega, dekho theek se, B1 to the power, sorry, ये डायरेक्टली लिखो बी वन अपॉन बी टू, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, पावर कितना आएगा एम, और सी का कितना आएगा, सी उल्टा है नीचे है, तो आएगा सी टू बाय सी वन टू द पावर एन. समझ गए, एकदम सिंपल है, हाँ आप कौन सा भी लिख सकते हो. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अभी बताता हूं, इफ A is equal to P to the power X, Q to the power Y upon R to the power Z, then what will be A1 by A2? What will be A1 by A2? क्या आपको ध्यान में रखना है? अभी A का फॉर्मूला क्या बना है? ये होमवर्क करो. A का फॉर्मूला क्या बना है? P to the power X, Q to the power Y, R to the power Z, A1 by A2 क्या आएगा? ओके, इतना ही आपको लिखना है. हाँ, होमवर्क वन, होमवर्क टू ले लो. इफ B इज इक्वल टू रूट एम एन स्क्वेयर अपॉन क्यू, क्यू लिखो, देन देन बी वन अपॉन बी टू क्या आएगा?
तो ये आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी। ये फिजिक्स में हर टाइम आता है, ये बढ़ा दिया तो ये डबल कर दिया, ये हाफ कर दिया तो फाइनली क्वांटिटी कितना आएगा। हम क्या करते हैं, उसको ये डबल किया, उसमें वैल्यू डालते हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं, फाइनली कैलकुलेट करने का प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं करने का, डायरेक्टली ये रेशियो लेने का, ये रेशियो लेने के बाद एक वैल्यू आपको मालूम रहती है, इधर का आंसर आपको मालूम पता रहता है और इधर का आंसर आप लिख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, हम आगे जाते हैं। तो बेटा अभी हमने क्या सीखा है, पहले सब फिजिकल क्वांटिटी सीखा, उनका यूनिट सीखा, उनका डायमेंशन भी निकालने के लिए सिखाया। तो फिर से एक बार मैं डायमेंशन के ऊपर एम्फसाइज करता हूँ, बेसिक डायमेंशंस मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। कैलकुलेटिंग बेसिक डायमेंशंस, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मैं दिखाता हूँ। फोर्स है, सपोज फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अभी फोर्स कैसे लिखते हैं, हम फोर्स लिखते हैं न्यूटन, न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज माय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर एम मेरा मास है तो जाएगा केजी में, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन है, उसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स के लिए मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये मेरे ध्यान में आया तो मैं आराम से लिखता हूँ, किलोग्राम है मतलब ये मास है, मीटर मतलब ये लेंथ है, और सेकंड स्क्वायर मतलब ये टाइम का पार्ट है। तो अभी उनके पावर देखते हैं, तो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम का कितना पावर 1, मीटर का कितना पावर 1, सेकंड स्क्वायर को उल्टा ऊपर लिया तो सेकंड टू द पावर -2, तो टाइम का कितना पावर -2। तो मैं लिख सकता हूँ m1 l1 t-2, तो ये बन गया फोर्स का डायमेंशन। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पूछा था, सर अगर डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे, है ना बेटा। तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बहुत बच्चों ने मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा नोटबुक का, मैंने देखा है। लेकिन क्या होता है बेटा, एट नाइट आई एम वॉचिंग दैट एवरीथिंग, वॉचिंग मीन्स आई एम जस्ट चेकिंग इट, बिकॉज टू होल डे आई एम मेकिंग सम लेक्चर्स, देर आर गूगल मीटिंग्स एंड ऑल, सो एट नाइट इवनिंग आई एम ऑब्जर्विंग दैट एवरीथिंग वॉट यू आर डूइंग। सो समटाइम्स इट मे बी लेट फॉर गिविंग द रिप्लाई, so keep in mind that. Okay, this is the way in which dimension can be calculated. और एक आपको करके दिखाता हूँ, बाद में आगे जाते हैं। अभी मैंने वर्क लिखा, तो वर्क कैसे लिखते हैं जूल में, उसको कैसे लिखते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मतलब क्या मेरा आएगा फोर्स, और मीटर माने डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो लेंथ हो जाएगा, बराबर, इसको बोलेंगे लेंथ। और ये फोर्स, फोर्स का तो यूनिट मालूम है, फोर्स का तो डायमेंशन मालूम है। अभी ऐसे आ गया तो कैसे करने का वो दिखाता हूँ। तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन माने m1 l1 t-2 मल्टीप्लाइड बाय m, m मतलब यहाँ पे m1 नहीं लिखने का, आप गलत हो जाओगे, m माने लेंथ। तो लेंथ का क्या है, पावर 1 है तो l1, तो l1 को लिखने के वजह मैं ऐसे लिखता हूँ m0 l1 t0, और क्या करो बेस सेम पावर को ऐड करो, तो m1 प्लस 0 l1 प्लस 1 2 हो जाएगा, t-2 प्लस 0 -2, तो ये क्या बन गया m1 l2 t-2, तो ये आपका बन गया डायमेंशन। ओके, ये ज्यादा एम्फसाइज आपके मेजरमेंट टॉपिक में हो जाएगा, आपके आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। So as a part of that basic quantities, this also we have seen. तो आज तो ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं है, कल का ही होमवर्क इसके ऊपर जो डिपेंड है वो आज कंप्लीट कर सकते हो आज। ओके, सो एट लास्ट आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम थोड़ा सा अलग टाइप में थोड़ा सा इसका
इसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? तो मोशन, तो आज हम जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो पहले मोशन, मोशन मतलब चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो मोशन, मोशन याद में रखना है, तो आपको क्या रखना है याद, चेंज इन पोजिशन। ओके, क्या आएगा, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। तो इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, सपोज ए इज हियर एंड बी इज हियर, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 0 0 एट ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 2 0। ओके, अभी अगर बी ने पोजिशन चेंज कर दिया, बी इधर आया, बी यहां से उठ के यहां आ गया, सपोज ये कुछ तो है उसका पोजिशन, तो बी हैज चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां पे क्या हो गया, बी हैज चेंज्ड बराबर इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो आई कैन से दैट बी इज देयरफॉर, सो बी इज इन मोशन करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेफरेंस में बी मोशन में है, ऐसे बोल सकता हूं, इसको बोलते हैं मोशन। तो मोशन में कौन कौन से टाइप होती है, एक होती है आपकी रेक्टिलिनियर, ये सब फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है, 8 9 10 फाउंडेशन जो होता है रेक्टिलिनियर, ये क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है कर्वीलिनियर, मतलब ये दोनों भी लीनियर मोशन के टाइप है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन, एक अलोंग लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन, और कर्वी लीनियर मतलब क्या, वो लीनियर ही है लेकिन स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं है, मोशन अलोंग अ कर्व। स्ट्रेट लाइन कैसी, स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रेट में जाएंगे ऐसा, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ कर्व लाइक दैट इट इज देयर। ओके, नंबर थ्री, आपको पता है एक टाइप है पीरियोडिक मोशन, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, ओके, जो मोशन खुद को हर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट करता है, the motion which repeats itself after equal interval of time, motion which repeats itself after equal interval of time is called as periodic motion. Okay, repeats itself after equal interval ऑफ टाइम। तो पीरियडिक मोशन मतलब क्या, ऑलवेज देर इज अ डे देर इज अ नाइट, बराबर, वाई, ड्यू टू अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट सेल्फ, सामने सन है, सन तो उधर ही है, तो अर्थ ऐसे किया तो दिन हो गया, ये पार्ट पीछे गया तो रात हो गया, फिर से वो पार्ट इधर आ गया, तो मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट सेल्फ, इट्स अ पीरियडिक मोशन, अर्थ इज मूविंग अराउंड दिस सन, आज साल चालू किया, एक साल के बाद फिर से यहाँ आए, इसीलिए क्या होता है, ऋतु होते हैं, हाँ बराबर ना, एक साल अपना होता है ना, 365 जो कुछ आप लेते हो, एक साल के लीप ईयर नॉन लीप ईयर वॉट एवर, ऑन एवरेज 365, करेक्ट, सो इट इज ड्यू टू पीरियडिक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसको अलग बोलते हैं, और अर्थ खुद के एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसको भी पीरियडिक मोशन बोलते हैं। स्विंग मशीन का नीडल होता है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, वो भी
ट्यूनिंग फोर्क, आपको ट्यूनिंग फोर्क मालूम होगा, ट्यूनिंग फोर्क वाई जैसा दिखता है ना आपको, ऐसा ऐसा ट्यूनिंग फोर्क ऐसे दिखता है। तो ये भी ऑसिलेट करता है ना, प्रॉन्ग्स बोलते हैं इसको, प्रॉन्ग्स बोलते हैं वो ऑसिलेट करते, ये सब इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। और पीरियडिक मोशन में बहुत सारे मोशंस आते हैं। बाद में आता है आपका सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तीसरा पांचवा आता है आपका रोटेशनल मोशन। अभी बताया मैंने सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कुलर बहुत सारे सर्कुलर मोशन हम बोल सकते हैं, एक पत्थर लिया, एक धागा उसको बांध लिया और ऐसे ऐसे कर दिया, वो खेती जो करते हैं ना इन द फील्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम द बर्ड्स दे आर मेकिंग ना, आई थिंक इन मराठी वी कॉल इट एज गोफन है ना, हाँ, सो दैट इज पार्ट ऑफ सर्क्युलर मोशन। देर आर मेनी थिंग्स, रोटेशनल मोशन, कोई भी चीज़ रोटेट करती है, ये अभी ये फैन रोटेट होता है, फैन ऐसा ऐसा रोटेट होता है, स्पाइनिंग टॉप भोवरा भोवरा, हाँ स्पाइनिंग टॉप, हाँ वो रोटेट होता है, तो रोटेशनल मोशन है। सिक्स होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, एक्चुअली ऑसिलेटरी एंड पीरियडिक इनमें भी रिलेशन है। ऑसिलेशन मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन में स्प्रिंग मिल गया आपको, वो स्प्रिंग मास को कनेक्ट किया है ना, आई हैव कनेक्टेड द स्प्रिंग टू द मास एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड द ऑसिलेशन ऑफ द मास, देन दैट मास विल बी स्टार्टिंग ऑसिलेटिंग है ना। सो दीज आर द मेन टाइप ऑफ मोशंस। ओके, सो ये एक्चुअली व्हाई आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू दिस, सो हियर इन योर 11th क्लास you will be having, keep in mind, you will be having each and every motion as one topic. अभी तक आपने एक ही टॉपिक में ये सब मोशन सीखे थे, बराबर एक ही टॉपिक में सब मोशन का स्टडी किया था, तो अभी आपको आने वाले हैं फिजिक्स में ये सब मोशन एज अ सिंगल सिंगल टॉपिक। ये रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वलिनियर मोशन, इसमें से सब वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, उसमें सब ये मोशन में कर सकते हो। पीरियडिक मोशन में अलग टाइप आते हैं, वेव्स आते हैं, ऑसिलेटरी मोशन आता है, सर्कुलर मोशन एक अलग टॉपिक है, रोटेशनल मोशन एक अलग टॉपिक है। तो इसीलिए आई जस्ट मेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन एंड इट्स टाइप, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा एम्फोसाइज करते हैं। तो क्या करने का एम्फोसाइज, तो मोशन में अभी थोड़ा सा जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें आपको क्या क्या मालूम है उसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो आपको क्या क्या मालूम है, आपको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ओके, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में आपको क्या क्या मालूम है उसका थोड़ा सा टैबलेट करते हैं। ओके, स्पीड होता है, वेलोसिटी भी होता है ना बेटा, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, तो आप बोलोगे सर ये क्या इसमें चेंज क्या है, वही है, नहीं वही नहीं, स्पीड को ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और अगर मैंने वेलोसिटी बोला तो उसको मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन भी होता है। तो ये पहले लेते हैं, और दूसरा होता है, एक्चुअली ये दूसरा लेते हैं, सॉरी पहला लेते हैं हम, पहला एकदम सिंपल लेते हैं, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, और दूसरा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ही होता है, डिरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन। मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक हनी बी है और यहाँ पे एक फूल है, एंड हनी बी इज मूविंग लाइक दिस इन सर्क्यूलर ऑर्बिट। तो हनी मैंने चालू किया, क्या किया, यहां से चालू किया, ओके दिस इज द पॉइंट,
देखो अभी पार्टिकल बुद्धानी भी नहीं मिलते पार्टिकल पार्टिकल इज एट पोजीशन ए देन इट हैज वेंट टू पोजीशन बी देन इट हैज वेंट टू पोजीशन सी देन इट हैज कम टू पोजीशन डी एंड अगेन इट हैज कम टू पोजीशन ए बराबर ठीक है देखो अगर ए से बी को जाना है सपोज ये डिस्टेंस है मैंने इसको आर बोला रेडियस तो अगर ए से बी तक जाना है ए से बी तक हाँ तो डिस्टेंस कवर कितना आएगा बेटा ये ऐसे आएगा डिस्टेंस कवर कैसे आएगा ऐसे आएगा लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना डिस्प्लेस हुआ तो ये डिस्टेंस नहीं बोलोगे आप यू विल कनेक्ट दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आप निकालोगे तो अगर डिस्टेंस कवर आप निकालोगे इस केस में ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर उसका फोर्थ पार्ट 2 पाई आर अपॉन 4 सो पाई आर बाय 2 तो ये आएगा पाई आर बाय 2 लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आपने निकाला तो आपको मालूम है पाइथागोरस आइडेंटिटी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2 आर स्क्वायर तो इसका आएगा रूट 2 आर तो ये आएगा रूट 2 आर समझ गए अगर अभी ए से सी तक चला गया तो कितना कवर करेगा टोटल सर्कमफेरेंस का हाफ कवर करेगा मतलब पाई आर तो डिस्टेंस कवर बन गया पाई आर और डिस्प्लेसमेंट देखने का जरूरत नहीं है ये रेडियस से डायमीटर बन जाएगा डी 2 आर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा 2 आर तो जिन क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड ओनली नेसेसरी होता है डायरेक्शन का नेसेसिटी नहीं होता है उनको बोलते हैं स्केलर्स और जिनको मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट बट द सेम टाइम डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट उनको बोलते हैं वेक्टर्स तो स्केलर दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ओके तो अभी हम क्या करते हैं मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाया है तो अभी हम एक छोटा सा एक होमवर्क देते हैं आपको आपको मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के देता हूँ बाद में हम जाते हैं स्पीड वेलोसिटी के लिए डायग्राम बना के देता हूँ वहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको पहले समझ में आया डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है डिस्टेंस ट्रैवल मतलब जो जैसे पाथ लिया है पार्टिकल ने वैसे ही आपको लेना पड़ेगा मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऐसे चला गया तो ये पूरा मेरे को मेजर करना पड़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट उसको जोड़ दो डायरेक्ट तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट और इसको बन जाएगा ये बन जाएगा डिस्टेंस कवर समझ गए ओके तो होमवर्क ले लो अभी दिस इज टाइम फॉर होमवर्क 1 सपोज अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड इट इज गोइंग टू बी देन टर्निंग going to C and then again coming back at point D okay इसको बोलो 2 meter और क्या क्या calculate करना है calculate distance covered और दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट दिस इज स्टार्ट और दिस इज एंड बन गया तो ये बन गया मेरा होमवर्क 1 ओके होमवर्क 2 देता हूं ओके होमवर्क 2 क्या देता हूं ऐसे ही एक पार्टिकल है ओके उसने ऐसे किया यहां पे गया यहां पे गया ओके ऐसे गया बाद में मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कैसे गया देखवा ए टू बी बी से सी पर गया और सी से वापस बी पे आ गया मतलब ऐसे चला गया
ए से बी तक चला गया, बाद में बी से सी तक चला गया, वापस बी तक आ गया, तो ये बन गया स्टार्ट और ये बन गया एंड। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और होमवर्क नंबर थ्री, होमवर्क नंबर थ्री, होमवर्क थ्री जो अभी हमने पढ़ा है वो आप सब सब केस में आप कैलकुलेट करके दिखाओ बेटा। हाँ, तो यहाँ पे सर्कल करता हूँ, इसका रेडियस कितना है R, हाँ रेडियस R है, सबको लिखेंगे R, R लिखने का जरूरत नहीं है, एक को लिखा तो चलता है। तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, A B C D, ओके, कैलकुलेट नंबर वन डिस्टेंस कवर्ड, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन केस वन, केस वन ए टू बी, केस टू ये सेपरेटली आपको लिखना है ए टू सी, केस थ्री ए टू डी, केस फोर ए बी सी डी ए, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट किया, समझ गया बेटा। तो ये सबका आपको करना है, अगर सबका डायग्राम बना सकते हो आप, एक का मैं करके दिखाया अभी ए टू बी का, यहाँ से डायरेक्ट किया, तो हर एक के लिए आप डायग्राम बना के उसका कर सकते हो। तो आपको होमवर्क के लिए क्या क्या दिया है, होमवर्क वन ये है आपका, होमवर्क टू दिस इज, होमवर्क थ्री ये है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दो वो दोनों का भी होमवर्क है, वो भी करना है। आई नो दैट वन हॉलीडे इज देयर इन बिटवीन, सो ऑफकोर्स यू विल बी डूइंग योर वर्क। ओके, डू दैट वर्क नाइसली, complete it. If any doubt is there, any trouble is there, you may ask me at any time, there is no problem. Okay, so don't hesitate to ask the doubt to your teacher. तो ये सब है, ये क्या है एक्चुअली, ये आपको आपका एक लॉजिक बनाने में मदद करेगा, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री का पूरा यूज आपको यहाँ पे होता है। तो आज एडिशनली और भी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्या आपको तीन टाइप के ट्रायंगल का पूरा मालूम होना चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेडियंस वो क्या करती है, ऑर्थो सेंटर क्या, जी ऑर्थो सेंटर आते हैं ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या। सेकंड आपको आना चाहिए आइसोसेलस ट्रायंगल, उसके दो साइड सेम रहते हैं, व्हाट आर द एंगल्स, व्हाट आर द साइड्स, वो। तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब पाइथागोरियन आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइड वन क्या होता है, साइड टू क्या होता है। फोर्थ वन इज द ट्रिगोनोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉटसेक कोसेक। बाद में आपको स्क्वायर रेक्टेंगल इनके एरिया पेरीमीटर, स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टीज होता है, डायगोनल कहाँ पे कट करते, सो एवरीथिंग you have to practice well. So you keep one notebook, और वो notebook में अपने अपने problem अपने अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक square लिया, उसके diagonal बनाए, अभी जो छोटे छोटे triangle होते हैं वहाँ पर वो right angle बनेगा, तो वहाँ पर वो side कितना आएगा, ये side कितना आएगा, ऐसा you have to work over that, because this everything will help you in calculating all the things, and that will be making you more and more sharp. Your brain will become sharp. Otherwise, everything, I know that you have already learned this.
तो उसका एक ब्रीफ ब्रशिंग बोलते हैं ना, वो दिमाग में अगर वो अंदर तक गया है, थोड़ा सा उसके ऊपर जंग चढ़ा है तो थोड़ा सा ब्रशिंग किया है, हाँ थोड़ा सा उस पर स्प्रे छिड़का है और ब्रश करके एकदम चकाचक बना दिया। तो ठीक है, ऐसी बात है, डोंट हेजिटेट फॉर वर्किंग, बहुत काम करो, बहुत काम करो, बहुत प्रैक्टिस करो, और जो काम कर रहे हो वो मन से लगन से करो, इतना है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक्स। टिल दैट डू योर होमवर्क, क्लियर इट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑफ कोर्स फील फ्री टू आस्क मी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।